मेजर के बाद से बड़ी श्रीनिधि शेट्टी की फीस, क्या इतने बीएड के बाद फैंस होंगे बोर्ड। 2018 में आई फिल्म केजीएफ ने साउथ इंडस्ट्री का नाम ऊंचा ही कर दिया, वरना पहले तो लोग साउथ की फिल्में देखना पसंद भी नहीं करते थे। इनफैक्ट पता भी नहीं रहता था कि कौन सी मूवी अच्छी है, साउथ के कौन से बेस्ट डायरेक्टर्स हैं और सब कुछ। पर अब उसके बाद गेम चेंज हो गया है एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री पीछे जाती हुई नजर आ गई है। वैसे तो काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है एंड यहाँ तक की कोलेबोरेशन भी जम जम कर हो रहा है। और अब इस फिल्म केजीएफ का थर्ड इंस्टॉलमेंट आने वाला है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी हो सकता अंशी कोठारी और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं केजीएफ 3 फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पर। तो एक्साइटमेंट को ऐसे ही बरकरार रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यश का वो रॉकी भाई वाला रोल, आहा क्या मजेदार था। रीना यानी की श्रीनिधि शेट्टी का ही नहीं, सभी लड़कियों का दिल जीत बैठे थे वो। चार्म, स्मार्टनेस, सब कुछ अमेजिंग था एकदम। इनके जैसे किसी का चार्म नहीं है। पार्ट 2 तो रिसेंटली रिलीज हुआ है यानी कि अप्रैल में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया एंड सेकंड तो मोस्ट अवेटेड पार्ट था जो कि 4 साल बाद रिलीज हुआ है। अब थर्ड पार्ट के लिए सभी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं मेकर्स। तो ये कंफर्म है कि आएगी, क्योंकि लास्ट में वो बुक बताए थे जिसमें था यूएसए का चैप्टर, पर ये 2025 के पहले नजर नहीं आने वाली है। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंतजार लगेगा इस फिल्म के लिए। इस फिल्म की हीरोइन रीना की एक्टिंग काफी क्यूट सी थी, जिसका फर्स्ट पार्ट में भी अच्छा ही रोल था और सेकंड पार्ट में भी इनके और रॉकी भाई की लव स्टोरी दिखाई थी। पर ऑब्वियस है कि मेन फोकस रॉकी भाई और उनके प्लान पर था, ना कि हीरोइन पर। तो बीच में न्यूज सुनने मिल रही थी कि रीना इस फिल्म से आउट होने का सोच रही है और उनके बदले और बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मेकर्स, वो भी बॉलीवुड से। अब नाम आ रहा है मौनी रॉय का, जिन्होंने रॉकी के साथ आइटम नंबर किया था। बट वही बात है कि कंफर्मेशन तो नहीं है और मेकर्स चाहते हैं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ रिप्लेस करेंगे तो व्यूइंग नंबर और ज्यादा दुगना हो जाएगा, जिससे सबको फायदा होगा। और वैसे भी रवीना टंडन और संजय दत्त ने तो आग लगा दी थी फुल ऑन सेकेंड पार्ट में एंड काफी अप्रिशिएटेड रोल था उन दोनों का भी। वैसे तो स्टिल कंफर्मेशन मिला नहीं है कि रीना आउट होगी या नहीं और ना ही कोई और चीज का स्टेटमेंट पास हुआ है, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो बिजी है सालार में जिसमें प्रभास होंगे। तब इस फिल्म के बाद से तो श्रीनिधि की फीस भी एकदम हाई लेवल तक पहुंच चुकी है और विक्रम की कोबरा फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा फीस मांग रही है वो। अब केजीएफ की सक्सेस के बाद तो श्रीनिधि एकदम ही फेमस बन चुकी है एंड मेकर्स इतना देने को रेडी भी हो गए हैं और श्रीनिधि की एक्टिंग भी कुछ खास ही है, इसके लिए मेकर्स भी रेडी हो चुके हैं। जैसे कि हमने बोला 2025 में नजर आएगी ये फिल्म, तो बिग क्वेश्चन हियर इज कि क्या ऑडियंस बोर नहीं हो जाएगी इतना वेट करके, क्योंकि आधे लोग समझते हैं कि थर्ड पार्ट नहीं आएगा और आधे समझते हैं कि आएगा। है ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्ट आने ही वाला है। तो क्या करेंगे मेकर्स ऑडियंस की बोर उठाने के लिए? क्या वो बीच बीच में स्टेटमेंट देते रहेंगे एंड सस्पेंस बढ़ाते रहेंगे जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे एंड फिल्म को भी नुकसान ना हो? ये सभी चीजें वैसे तो सोचने वाली है, तो देखते हैं क्या होगा। और ये भी बताए कि रीना के बदले कोई और जचेगी या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।